हेलो एवरीवन, मैं हूं सोहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लैब। तो दोस्तों, आज होने वाला है T20 वर्ल्ड कप 2024 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, जो कि यह सेमीफाइनल मुकाबला है इंडिया बनाम इंग्लैंड के बीच में। जी हां दोस्तों, यह मुकाबला जो कि गयाना में हो रहा है, और बता दें कि यह मुकाबले में बारिश का साया है, और बता दें कि यह मुकाबला शायद रद्द भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर सेमीफाइनल मुकाबला इंग्लैंड और इंडिया का है, अगर रद्द होता है तो बता दें कि टीम इंडिया डायरेक्ट फाइनल में चली जाएगी, तो वहीं इंग्लैंड की टीम बाहर हो जाएगी। वैसे बता दें, गयाना में भारी बारिश का अनुमान है। जी हां दोस्तों, अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो बारिश छूटी हुई है, लेकिन मुकाबले अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं, जो कि सबसे ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि बता दें कि ग्राउंड में पूरी तरह से पानी से भर चुका है। अब ऐसे खाने में कितना टाइम लगता है, यह भी देखने वाला बात होगा। वैसे बता दें कि यह मुकाबले में कुछ रिजर्व घंटे हैं, दिन नहीं है। जी हां दोस्तों, अगर मुकाबला 12 बजे रात से भी शुरू होती है तो 20-20 ओवर का खेला जाएगा, लेकिन इसके बाद से अगर लेट होता है और बारिश होता है तो दोस्तों बता दें कि ओवर कटना शुरू हो जाए, जैसे कि 18 ओवर का हो सकता है, 15 ओवर का भी हो सकता है, 12 भी ओवर का हो सकता है, 10 ओवर की हो सकता है, कम से कम 5 ओवर का मुकाबला कराना पड़ेगा। तो अगर इसके बावजूद बारिश होती रहती है गयाना में, तो बता दें कि इस मुकाबले को रद्द कर दिए जाएंगे। वैसे बता दें कि इसके लेकर बेहद ज्यादा आलोचना भी हो रहा है, जी हां दोस्तों, ICC का, क्योंकि बता दें कि रिजर्व डे नहीं है। अगर रिजर्व डे होता तो अगले दिन खेला जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है, जिसके वजह से यह मुकाबला रद्द करना पड़ेगा। और सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले के लिए हमेशा से रिजर्व डे रहते हैं। वैसे बता दें कि गयाना के सुबह के 11 बजे 60% चांसेस है बारिश आने का, इसके बाद से थोड़ा बहुत बारिश होने के चांसेस बेहद ही कम है। और बता दें कि फिर 1 और 2 बजे गयाना में भारी बारिश का अनुमान है, लेकिन उसके बाद से बारिश होने का बेहद ही कम चांसेस है। ऐसे में मुकाबला होगा, यह हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम ओवर का हो, लेकिन यह मुकाबला होगा। तो दोस्तों, हम पूरा उम्मीद करते हैं यह मुकाबला होता है तो दोस्तों टीम इंडिया जीत के साथ फाइनल में जाएगी। आपका क्या राय है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।